अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफजल। आज के लेक्चर में हम करेंगे नाइन्थ क्लास का अनदर टॉपिक, दैट इज़ मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो आपके सिलेबस के अंदर हैं वो तीन हैं, फिजिकल बैलेंस, लिवर बैलेंस एंड डिजिटल बैलेंस। लेकिन आज के लेक्चर में हम जस्ट एक कवर करेंगे और वो होगा फिजिकल बैलेंस। तो जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो जो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि ये सवाल किस तरह से एग्जाम्स के अंदर आता है, MCQ क्या है, शॉर्ट क्या है, उन सारे सवालात के जवाब भी आपको मिलेंगे। तो बच्चों बढ़ते हैं आज के लेक्चर की जानिब। इंसान हज़ारों सालों से चीज़ों का लेन देन मुख्तलिफ निज़ाम के तहत करता है। जो कदीम तरीन निज़ाम है बच्चों, सिस्टम है चीज़ों की लेन देन का, वो है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था कि किसी के पास अगर ग्रेन्स हैं, दाने हैं, तो वो दाने दे के किसी से फ्रूट्स ले लेगा। किसी के पास गाय भैंस है, गाय भैंस दे के किसी से फल फ्रूट या कोई चीज़ खरीद लेगा। बार्टर सिस्टम एक्सचेंज का सिस्टम था। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने जिद्दत अपनाई तो फिर ग्रीक्स जो यूनानी थे, फिर रोमन्स थे, रोमी थे, इसी तरह से इनसे पहले जो कौम थी उन्होंने सिस्टम को अपग्रेड किया और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के ये मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते थे मैथ मेजर करने के लिए। मैथ क्या है, माहियत है, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में भी जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसका जिक्र कर देता हूँ। कोई भी चीज़ जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो उसका मैस है, ठीक है। मैं जितनी स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ हूँ, जितनी मैंने जगह गिरी हुई है, दैट इज़ माई मैस। तो मैस को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते थे। एंशियंट टाइम्स के अंदर जिसकी बात अगर हम करें तो ग्रीक्स और क्या है हमारे पास रोमन्स की मिसालें हैं, लैटिन की मिसालें हैं, तो वो लोग इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते थे। बीम बैलेंस, ये कैसा बैलेंस है, इसके अंदर एक बीम है, दाएं और बाएं दो पॉट्स हैं, पलड़े हैं, जिनके अंदर क्या किया जाता था, एक के अंदर नॉन मैस जो पता है 1 kg, 2 kg, 3 kg रखा जाता था, दूसरी तरफ अननोन मैस डाल दिया जाता था, उसके मुताबिक डालते जाते थे। जब मैस इक्वल हो जाता था कंपैरिजन मेथड के थ्रू तो वो उतार लेते थे, ये 1 kg हो गया, 2 kg हो गया, इस तरह का तरीका अपनाया जाता था। अब जो बीम बैलेंस है वही थोड़ी जदीद फॉर्म में उसे हम फिजिकल बैलेंस कहते हैं। याद रखिए बच्चों, जो फिजिकल बैलेंस है इट इज़ अ बीम बैलेंस, इसके अंदर बीम है। और फिजिकल बैलेंस कहाँ इस्तेमाल होता है, ये ज़्यादातर लेबॉरटरीज के अंदर इस्तेमाल होता है, जहाँ हमने एसिड्स, बेसिस या मुख्तलिफ लिक्विड्स या मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ों का मैस मेजर करना है। फिजिक्स लेबॉरटरी, केमिस्ट्री लेबॉरटरी के अंदर वहाँ हम किसका सहारा लेते हैं, इस फिजिकल बैलेंस का। आजकल तो डिजिटल बैलेंसेज आ चुके हैं तो इनको रिप्लेस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इनका इस्तेमाल किया जाता था। आइए अब डिटेल से जानते हैं व्हाट इज़ फिजिकल बैलेंस। ये सवाल बहुत आसान है, बच्चों को ये रीडिंग करते हुए बड़ा मुश्किल फील होता है, मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूँ ये लेक्चर सुनने के बाद आपको ये टॉपिक बड़ा आसान लगेगा। तो देखते जाइए बच्चों, मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी करता हूँ, पिक्चर बाई पिक्चर भी बताता हूँ, इसके पार्ट्स भी बताता हूँ, क्या क्या किस किस का क्या क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है, कैसे आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं लेबॉरटरी में जाके, और ये कैसे मैथ मेजर करके। सबसे पहली चीज़ क्लियर कर लीजिए, फिजिकल बैलेंस जो कंपैरिजन मेथड के जरिए मैथ मेजर करता है, एक पलड़े में हम नॉन मैथ डालते हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg हमारे पॉट बॉक्स जो है उसमें से, और दूसरे पलड़े में हम क्या डालते हैं, अननोन मैथ। जब उनका कंपैरिजन में दोनों पलड़े आमने सामने आ जाते हैं तो हम कहते हैं इस चीज़ का फलां चीज़ का मैथ इतना है, उतार लेते हैं। अब आइए देखते हैं इसके पार्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक बीम नज़र आ रही होगी, ये बीम है जो कि ब्रास की हो सकती है, एलुमिनियम की हो सकती है, एक बीम है। बीम क्या होती है बच्चों, बीम अक्सर आपने देखा होगा दरवाज़ों के ऊपर बीम डाली जाती है ताकि सारा वजन जो दीवार का और छत का लेंटर का है वो दरवाजे में पड़ने की बजाय उस सरियों की बीम पर आए और वो दरवाज़ा अपनी जगह पर टिका रहे, उस पर वज़न इतना ना आए, ठीक है, क्योंकि वो खाली जगह देनी है ना आपने कमरे में, उस दीवार में खाली जगह। तो बीम वज़न को कैरी करने के लिए, मैस को उठाने के लिए चीज़ है, दैट इज़ बीम। अब बीम के लेफ्ट और राइट साइड पे अगर आप देखें तो बीम की लेफ्ट और राइट साइड पे आपको क्या नज़र आ रहे होंगे, बैलेंसिंग स्क्रूज नज़र आ रहे होंगे। लेफ्ट साइड पे एक बैलेंसिंग स्क्रू है और राइट साइड पे आपको बैलेंस, ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन भी मैं आपको बताता हूँ। ये आपको बैलेंस करके देंगे दोनों पलड़े, जब
पलड़े बराबर नहीं है तो बैलेंसिंग स्क्रूज को आप किसी को टाइट और किसी को लूज करेंगे तो दोनों पलड़े बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे। हुक्स के साथ हमने क्या पॉट्स लगाए हुए हैं, दो पलड़े बांधे हुए हैं किन के साथ, हुक्स के साथ। बाहर धूप में आपने कपड़े डालने हो, आंधी तूफान आ जाए तो कपड़ों को हुक के जरिए उधर बांध दिया जाता ताकि वो उड़े नहीं। इस तरह हुक्स के जरिए हमने क्या किया हुआ है, पॉट्स को हैंग किया हुआ है। अब जो हुक्स हैं उनके पीछे अगर आप देखें तो आपको स्टिरअप नजर आ रही होगी, वो स्टिरअप जो है वो इसको हिलने में मदद देती है, बिल्कुल टाइट नहीं कर देती, वो आसानी से इसे मूव करने देती है ताकि ये पॉट्स हिल भी सकें। और ये किसके साथ एंगेज हैं स्टिरअप, ये एंगेज हैं बीम के साथ। एंड पे अगर आप देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, रेस्टिंग नॉब नजर आ रहा है। ये बटन है, ये नॉब है जिसको अगर आप घुमाएं तो एक रॉड सा पीछे से इस कि क्या करेगा, इस बीम को ऊपर उठाएगा। रेस्टिंग नॉब को अगर आप राइट साइड पे टर्न दें क्लॉकवाइज घड़ी की सूरत में तो रॉड ऊपर उठेगा, बीम को ऊपर उठा देगा। आपको नजर भी आ रहा होगा जब रेस्टिंग नॉब को घुमाते हैं तो रॉड पीछे से क्या करेगा, बीम को ऊपर उठाएगा और बीम उठने पे क्या करेगी, ये पलड़े हिलना शुरू हो जाएंगे। अब आपको लेफ्ट और राइट साइड पे दो लेवलिंग स्क्रूज नजर आ रहे होंगे। इसका मकसद क्या है कि जो वुडन का ब्लॉक है जिसके ऊपर ये सारी चीजें हमने सेट की हुई हैं उनको बैलेंस करना, बिल्कुल फ्लैट करना, ताकि कि लेफ्ट और राइट ऐसे इंबैलेंस ना हो। तो चीजें इंबैलेंस होंगी तो क्या होगा, गलत ही नोट होगा। हमें फ्लैट सरफेस के ऊपर इसे बैलेंस करना है इस फट्टे से को, तो कैसे करेंगे, लेवलिंग स्क्यूज वो पेच हैं उन्हें लेवल करेंगे, नतीजा क्या होगा, वो बैलेंस होके नजर आएगा। अच्छा जी बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपको एक स्केल नजर आ रहा होगा, स्केल नजर आ रहा हो, ग्रेजुएटेड स्केल है, एक ऐसा स्केल है जिसके ऊपर लाइंस लगी हुई हैं, सेंटर में जीरो लिखा हुआ है, लेफ्ट राइट साइड पे 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 10 तक लिखा होगा, राइट साइड पे भी 10 तक, और रेड कलर की आपको एक पॉइंटर नजर आ रहा होगा रेड कलर का, जो इस वक्त जीरो पे है क्योंकि रेस्टिंग नॉब को हमने नहीं घुमाया तो रॉड इसको उसको बीम को ऊपर नहीं उठाया हुआ, बीम अभी नीचे रेस्ट की हुई है। किस पे रेस्ट की हुई है, फलक्रम के ऊपर। फलक्रम वो चीज जो क्या करेगी, बिल्कुल ऐसे आपने सी सॉ देखा होगा बच्चों, सी सॉ, बच्चे सी सॉ यूज करते हैं, उन वो सी सॉ दाएं बाएं ऐसे मूव करता है, तो इसका सेंटर जो है दैट इज फलक्रम। इसी तरह इसका बीम का सेंटर जिस पे रेस्ट कर रहा है वो है फलक्रम। इसके साथ प्लम्ब लाइन है, प्लम्ब लाइन वो जो मिस्त्री यूज करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा मिस्त्री किस मकसद के लिए यूज करते, दीवार बनाते हुए दीवार बिल्कुल सीधी बन रही है कि नहीं बन रही, साथ बार बार लगा के देखते हैं लेवल देखने के लिए। इसी तरह प्लम्ब लाइन साथ लगी है ताकि ये देख सके क्या आया, ये सिस्टम सारा लेवल में है कि नहीं है, लेवल में रखने के लिए उसे प्लम्ब लाइन साथ में, अगर लेवल नहीं होगा तो मैस एक्यूरेटली मैयर नहीं हो सकेगा। प्लम्ब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है तो इसका मतलब ये लेवल पे है, और लेवलिंग स्क्रूज नीचे से आपने लूज टाइट करके प्लम्ब लाइन को सीधा लेके आना है। बच्चों हमने जो रेस्टिंग नॉब है उसे क्या करना है, घुमाना है किस तरफ, क्लॉकवाइज। जब आप इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या नतीजा निकले, पीछे से रॉड निकलेगा, पीछे से जो रॉड है वो क्या करेगा, वो उसे उठाएगा, ऊपर उठाने पे दोनों पलड़े हवा में मुअल्लक हो जाएंगे और ऐसे हिलना शुरू हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब आपको नजर आ रहा होगा जो रेड कलर का पॉइंटर है वो दाएं जानेब और बाएं जानेब दो तीन तक बार बार घूम रहा है। अब अगर बच्चों अगर पॉइंटर दाएं और बाएं जानेब एक जितना मूव कर रहा है, एक जितना मतलब दाएं जानेब भी दो या तीन तक पॉइंट्स तक, स्केल के तीन पॉइंट्स तक, और दाएं जानेब भी स्केल के तीन पॉइंट्स तक जा रहा है, तो इसका मतलब दाएं और बाएं पलड़ा बराबर है। जिस भी चीज का मैस मेजर करना है उसे लेफ्ट साइड में डालते हैं, लेफ्ट वाले पलड़े में, लेफ्ट वाले पैन में क्या करना है, जो भी चीज जिसका मैस मेजर करना है, और राइट साइड पे हमारे पास जो स्टैंडर्ड मैसेज हैं, जो हमारे पास मिलीग्राम में ग्राम में हमारे पास स्टैंडर्ड पड़े हैं बॉक्स के अंदर, वो डालते चले जाते हैं। एग्जांपल के जरिए मालूम करते हैं किसी चीज का मैस। मैस किसका मालूम करने जा रहे हैं, जो एग्जांपल आपके बुक के अंदर है, एक स्टोन आपके पास, एक पत्थर है और कहता है फिजिकल बैलेंस को इस्तेमाल करते हुए उसका मैस मेजर करें। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, एडजस्टिंग द लेवलिंग स्क्यूज। लेवलिंग स्क्यूज को एडजस्ट करिए, और वो कैसे एडजस्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्लम्ब लाइन आप लेवलिंग स्क्यूज लूज टाइट करें, वो जो नीचे है लकड़ी के तख्ते के नीचे नजर आ रही है जिसके ऊपर ये सारा सिस्टम है, ताकि जो प्लम्ब लाइन है बिल्कुल सीधी हो जाए। पहला हमारा क्या है जी, काम है। दूसरा स्टेप हमारा, रेज द बीम जेंटली। कैसे रेज करनी है बीम को, जेंटली रेज, ऊपर कैसे उठाना है, रेस्टिंग नॉब, रेस्टिंग नॉब को क्लॉकवाइज घुमाइए, ये नीचे पेट सा जो नजर आ रहा है, रेस्टिंग नॉब को जब आप पीछे से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बीम को ऊपर उठाएगा। जब बीम ऊपर उठेगी तो क्या नतीजा निकलेगा बच्चों, जब बीम ऊपर उठेगी तो लेफ्ट और राइट पैन हवा में मुअल्लक हो जाएंगे और ये मूव करना शुरू कर देंगे। सो बाय टर्निंग द रेस्टिंग नॉब क्लॉकवाइज यूजिंग बैलेंसिंग स्क्रूज एट द एंड्स ऑफ द बीम, बैलेंसिंग स्क्रूज कहां
लगे हुए हैं बच्चों, लेवलिंग स्क्रूज नीचे हैं, बैलेंसिंग स्क्रूज बीम के लेफ्ट और राइट साइड पे लगे बैलेंस करने के लिए। जब अगर आपका क्या होगा, ये बैलेंस नहीं हो रहा, तो आप क्या करें, बैलेंसिंग स्क्रूज को क्या करें, लूज टाइट करें, नतीजा आपके दोनों पैंस लेवल पे आ जाएंगे और इसका मतलब और पॉइंटर जीरो पे आना निशानी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हिलने के बाद पॉइंटर जीरो पे आ जाए तब भी ठीक है, अगर पॉइंटर हिलता भी रहे नो वरी। पॉइंटर कैसे हिलना चाहिए, अगर हिलता भी रहे तो इक्वली डिस्प्लेस होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे इक्वली डिस्प्लेस, मतलब दो पॉइंट लेफ्ट साइड पे है तो दो पॉइंट ही राइट साइड पे जाए इस तरह से पेंडुलम की तरह, और अगर जीरो पे आ गया तो वेल एंड गुड। तीसरा पॉइंट क्या, टर्न द रेस्टिंग नॉब टू ब्रिंग द बीम बैक ऑन इट्स सपोर्ट। तीसरा पॉइंट ये है कि नॉब को दोबारा से, रेस्टिंग नॉब को दोबारा घुमाएं ताकि वो क्या करे, जो आपकी बीम है दोबारा से नीचे आ जाए। और अब हम क्या करेंगे, क्यों करेंगे हम ऐसा, ताकि हम इसके ऊपर अब स्टोन रख सके। अब मैंने अपने मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को देख लिया, ये ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्या रखूंगा, जो चीज़ मैंने मेजर करनी है, लेफ्ट पैन में डाल दूंगा किसको, स्टोन को, और प्लेस सूटेबल स्टैंडर्ड मैसेज फ्रॉम द वेट्स बॉक्स ऑन द राइट पैन। लेफ्ट पैन पे मैं रख चुका हूँ उसे, राइट पैन में मैं वेट्स रखता जाऊँगा। रेज द बीम, बीम को ऊपर उठाइए, लोअर द बीम इफ इट्स पॉइंट इज नॉट एट जीरो, अगर बराबर नहीं आया अभी तक तो फिर बीम को नीचे करिए, फिर डालिए वेट, फिर ऊपर कीजिए, फिर बैलेंस देखिए, फिर नहीं बैलेंस हुआ फिर नीचे ले आइए बीम को, फिर मैं वेट रखिए, और फिर ऊपर उठाने पे अगर तो लेफ्ट और राइट पैन मूव करें और जो पॉइंटर है एक जितना डिस्प्लेस होना शुरू हो जाए, दो पॉइंट लेफ्ट दो पॉइंट राइट, तीन पॉइंट अगर लेफ्ट जा रहा तो तीन पॉइंट राइट जाना शुरू कर दे, इक्वली डिस्प्लेस होना शुरू हो जाए, समझ लीजिए जो लेफ्ट पैन पे मैस है जितना मैं राइट पे रखा था उसके बराबर आ गया। राइट पे मैं जमा कर लूंगा 18 ग्राम जी इसका मैस हो गया कंपैरिजन मेथड के जरिए। और इसके अलावा ये भी ऑप्शन है कि आप पैन को हिलने दीजिए और जब पैन हिलते हिलते जब जीरो पे पॉइंटर आ जाए तब क्या करिए, इस पैन में पड़े इसका मैस वही है जो यहाँ पे मैं डालता गया था, क्योंकि पॉइंटर कहाँ पे आ गया, जीरो पे। ये तरीकाकार आपने अपनाना है किसी भी अननोन चीज़ का मैस, रिपीट इसको रिपीट करें, एडिंग और रिमूविंग सूटेबल, बार 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 डालते जाइए मैस जब तक दोनों पैंस हिलते 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 पॉइंटर को कहाँ ले आए, जीरो पे। जब पॉइंटर जीरो पे आ गया इसका मतलब लेफ्ट पैन पे पड़ा अननोन मैस, राइट पैन पे पड़े नोन मैसेज जो मैंने डाले थे, तीन रखे थे चार रखे थे, उन सबको जमा कर लो, जमा किया हुआ मैस लेफ्ट वाले पैन पे पड़े अननोन मैस का मैस होगा स्टोन का मैस, नोट द स्टैंडर्ड मैस इन राइट पैन देयर सम इज द सम। ये है वो तरीका जो हम अपनाएंगे किसी भी अननोन मैस का, अननोन ऑब्जेक्ट का मैस मालूम करने के लिए। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी, मैं रिपीट कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप क्या करिए, जो आपका जो सारा स्टैंड सिस्टम है उसमें क्या करना है, लेवलिंग स्क्रूज को करना है आपने नीचे मौजूद टाइट लूज, ताकि थंब लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए तो हम कह सकेंगे ये ठीक है, अभी लेवल नीचे से फ्लैट है, नीचे से लेवल है। अब क्या करना है, अपने वो स्क्रू को, स्क्रू कौन सा, रेस्टिंग नॉब को घुमाइए क्लॉकवाइज, बीम है ऊपर उठेगी, बीम ऊपर उठने पे दोनों मुअल्लक हो जाएंगे हवा में, जब मुअल्लक होंगे तो एक इधर ज़्यादा जा रहा होगा कम जा रहा होगा, तो बैलेंसिंग स्क्रूज को लूज एंड टाइट करें, जब बैलेंसिंग स्क्रूज को लेफ्ट और राइट से लूज एंड टाइट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के बिल्कुल लेवल पे आ जाएंगे और पॉइंटर जीरो पे होना शुरू हो जाएगा। इस ये हमने देख लिया कि हमारा ठीक हो गया सिस्टम। अब हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट पैन पे स्टोन रखेंगे, राइट पैन पे हम नॉन वेट्स रखते जाएंगे, 5 ग्राम 6 ग्राम 10 ग्राम 12 ग्राम ये जो भी ऐड करते जाएंगे, और ये सिलसिला ऐसे ही करना है। पहला रखा, बीम को ऊपर उठाया रेस्टिंग नॉब को घुमा के, नहीं बराबर हुआ फिर नीचे ले आए, फिर रखा फिर ऊपर उठाया, जब बराबर हो गया ये जब दोनों आपस में पैंस बराबर हो गए, इसका मतलब द मैस ऑफ अननोन स्टोन इज इक्वल टू द मैस ऑन द राइट पैन, जो राइट पैन पे हमने मैसेज रखे थे उसके बराबर है। ये है तरीका, ठीक है बच्चों, आसान सा मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल बैलेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सवाल बोर्ड के अंदर MCQs और शॉर्ट इसके अंदर से आते हैं, ये पहला चैप्टर MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, लेकिन स्कीम चेंज अगर हो गई तो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपसे एग्जाम्पल के थ्रू पूछ सकता है कि भाई किसी स्टोन का मैस मेजर कीजिए यूजिंग क्या, यूजिंग फिजिकल बैलेंस, तो आप ये 6 जो स्टेप्स हैं वो आप मेंशन कर देंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।